और इतनी गोलियों के बावजूद भी अल्लाह ने तुम्हारी दुआओं से मेरे भाई आज भी जिंदा रखा है। ये तोते को एक गोली मारो, अगर ये तुम्हें हॉस्पिटल में गोली तो छोड़ो मेरे भाई, एक चाटा मारो चोर का, देखो किधर गिरा पड़ा नजर आएगा। बड़ी बड़ी बातें तप तप तप, और चौपटली पोपट यहां आया वो समाजवादी की सीट जिताने। अरे मियां, हैदराबाद में वल्दिया की एक सीट नहीं जिता पाते, असेंबली की सीट जिताने आए औरंगाबाद की सरजमी पर मेरे भाई है, यह जिताते असेंबली की, अपनी एक सीट नहीं बचाई जा रही, अपनी साख नहीं बचा पाए, मजलिस बचाओ तहरीक पार्टी का नाम रखा है। अरे बाबा अपनी सीट तो निकाल लो, मजलिस के बचाने की चिंता मत करो, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के पास अवाम की दुआ है, और जब तक ये दुआ है मजलिस कयामत तक आपके बीच में रहेगी मेरे भाई, मजलिस खत्म होने वाली जमात नहीं है। और आज समाजवादी के ये ठेकेदार जो मुस्लिम रहनुमाई की बात कर रहे हैं कि ये रहनुमा बनेंगे आपके मेरे भाई, तो सोचो सोचो मेरे भाई, सोचने की जरूरत है कि मुजफ्फरनगर जल रहा था, मुजफ्फरनगर में हमारी मां बहनों की अजमत लूटी जा रही थी, हमारे बच्चों को मारा जा रहा था, हमें बेघर किया जा रहा था, और ये समाजवादी दौरे इख्तदार में बैठी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, अखिलेश खामोश, मुलायम खामोश, और इनके जो नामर जो असेंबली में बैठे थे वो खामोश, जब वो वहां पर तुम्हारी आवाज नहीं बन सके, ये महाराष्ट्र में तुम्हारी आवाज बनेंगे मेरे भाई। अरे इनके झंडों पर, इनके डंडों पर हमारी मां बहनों की अजमतों के तार लिपटे हुए हैं मेरे भाई, हमारे खून के छींटे हैं, ये लोग हमारी नुमाइंदगी की बात करते हैं। अरे इन लोगों ने हमें हमेशा सेकुलरिज्म के नाम पर लूटा है, काटा है, पीटा है, आज औरंगाबाद के इस इतिहास को मेरे भाई ये लोग तोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि औरंगाबाद की पाक सरजमी जहां मुसलमानों के अंदर इतिहास जिंदा है ये तुम्हें बांट देना चाहते हैं। और याद रखना, अगर उस बार तुम बट गए मेरे भाई तो आने वाला वक्त मेरे भाई तुम्हारे सामने है, तुम्हें सोचना होगा, तुम्हें मुत्तहिद होकर मुतमईन होकर मेरे भाई। डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह चंद वोटों से हारने के बावजूद भी आपके बीच में 4.5 साल से मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई, चाहे कहीं पर किसी चीज की जरूरत होती है तो आपके बीच में डॉक्टर साहब जाते हैं, आपकी तकलीफों को समझते हैं, और आपको ये वोटों का बंटवारा रोकना होगा मेरे भाई, अगर आपने अपने वोटों को तकसीम कर दिया, अगर बांट दिया मेरे भाई तो ये इत्तेहाद टूट जाएगा। आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान मेरे भाई तुम्हारी तरफ निगाहें उठा कर देख रहे हैं कि औरंगाबाद की सरजमी के मुसलमान कौन सी तारीख लिखने वाले हैं। और मैंने सुना मेरे भाई ठाकरे आया था यहाँ पर, वो बहुत बजरा बच्चे दिखा रहे मेरे को, बहुत बजरा, तो मेरे भाई एक बार एक वीडियो और बनाओ, अब मैं बोलते बोलते कैसे, और फिर उसको बजाओ, और फिर ठाकरे तक पहुंचाओ मेरे भाई। ठाकरे क्या बोला, क्या बोला, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की तारीख याद दिला रहा था, और क्या बोला कि संभाजी नगर में इमाम बोले सर पर चढ़कर नाच रहे। अरे सुन ठाकरे, तेरे बाबा चले गए, तेरे बाबा चले गए, डेरा चले गए, ये सपने देखते देखते कि बाबरी मस्जिद को मंदिर बनाएंगे तो तू भी सुधाओं की राख बन जाएगा, ये सपने देखते देखते बाबा चला गया ख्वाब देखते देखते, अब ये ठाकरे भी चला जाएगा ख्वाब देखते देखते कि संभाजी नगर औरंगाबाद को बनाएगा मेरे भाई, और क्या तारीख याद दिला रहा था। अरे इन्हें क्या मालूम है हमारी तारीख के बारे में मेरे भाई, अरे 750 साल हुक्मरानी करने वाली मेरी कौम, अरे तू तारीख के पन्ने उलटते उलटते मर जाएगा लेकिन हमारी तारीख को बता नहीं पाएगा मेरे भाई, इन्हें क्या मालूम है, इन्हें क्या मालूम है हमारी तारीख के बारे में। मैं बताता हूं मेरे भाई, हमारी तारीख कहती है, सुनो हमारी तारीख बताने वालों, हमारी तारीख कहती है कि हमारा इब्राहिम आतिशे नमरूद में कूद पड़ा, इब्राहिम का तो कुछ ना हुआ, नमरूद का नामो निशान मिट गया। सुनो हमारी तारीख बताने वालों, सुनो हमारा मूसा समंदर के दरिया सीना चेर कर समंदर पार कर गया और फिरौन दरिया में समा गया, और सुनो हमारी तारीख मिटाने वालों, 313 मुजाहिद हजारों की लश्करों से टकरा गए, 313 जब हजारों की लश्करों से
तक रहे तो चश्मे पलक ने भी देखा, दुनिया का पूरी कायनात को बदल के रख दिया। तो मुझे कहने ने दो, मुझे कहने ने दो मेरे भाई, मुझे कहने ने दो, जो तारीख यजीद नहीं मिटा पाया, फिरौन नहीं मिटा पाया, नमरूद नहीं मिटा पाया, तो मेरे भाई ये ठाकरे और चाय वाले की औकात क्या है जो हमारी कि क्या औकात है मेरे भाई, ये हमारी तारीख मिटाएंगे। अरे सुनो सुनो सेना वालों, आरएसएस वालों, कच्चा अधारी बजरंग दल, सुनो सुनो, दिल्ली से एक गुरारा तुमसे कह रहा है कि हम मुसलमानों को अपने गुलाम और इस मुल्क को अपने बाप की जागीर समझने वालों, अगर मुसलमानों को गुलामी पसंद होती तो फलस्तीन का बच्चा बच्चा तलबीब और यहूद के टुकड़ों पर पलता, बैतुल मक़द्दस की मुकद्दस बेटी हाल चौक के बाजारों में बिकती। लेकिन नहीं मेरे भाई, फलस्तीन का बच्चा बच्चा बेटी बेटी इसराइली तो आगे खड़े होकर वे नारा लगाते हैं, हके हमारा आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी, तू किसने देगा आजादी, तू तो कहता पाप भूलेगा आजादी। तो मेरे भाई मजलिस इन आरएसएस से, बजरंग दल से, शिवसेना से, बीजेपी से आजादी दिलाने आई है। मजलिस मेरे भाई धरने और घबराने वालों की जमात नहीं है, मजलिस शेरों की जमात है मेरे भाई। मैं दिल्ली से आया हूं आपके बीच में मेरे भाई, जरा आप सोचिए कि दिल्ली में बहुत सारी जमातें हैं, अगर मुझे सियासत ही करना हो तो मैं किसी में भी जा सकता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसी जमात में हूं कि मुझे फकर है कि मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अगर खून का एक एक कतरा भी बहाना पड़ गया तो मेरे भाई आपका भाई पीछे नहीं हटने वाला जमात से। और ये मेरे भाई आपको सोचना होगा, 70 सालों से मेरे भाई दूसरों का झंडा उठा के आए, 70 सालों से दूसरों के नारे लगाते आए, कभी कांग्रेस का झंडा उठा लिया तो जीतेगा भाई जीतेगा, कांग्रेस वाला जीतेगा, कभी समाजवादी का झंडा उठा लिया कि जीतेगा भाई जीतेगा, समाजवाद जीतेगा, कभी राष्ट्रवादी का झंडा उठा लिया जीतेगा भाई जीतेगा, ये भी जीतेगा। अरे 70 सालों से दूसरों का झंडा और नारा लगाते आए हो, नारा लगाना है तो मुसलमान लगाओ नारा, नारा लगाओ मेरे भाई अली की बहादुरी का, नारा लगाओ उस्मान की सखावत का, नारा लगाओ उमर की अदालत का, जो नारा उस दौर में लगता था कि जीतेगा भाई जीतेगा, ईमान वाला जीतेगा। कौन को नहीं मानोला, कौन को नहीं मानोला, कौन को नहीं मानोला, क्या राहुल गांधी मानोला, क्या राहुल गांधी मानोला, शरद पवार कौन नहीं मानोला, कौन नहीं मानोला, और हम सब ईमान वाले मेरे भाई, ईमान वाले का नारा लगाओ, बहुत मेरे भाई बहुत हो चुका। अब इस मुल्क के अंदर मेरे भाई अगर इज्जत से जीना है तो हमें इत्तेहाद में आना होगा। आज ये लोग हमारे ईमान और जमीन को खरीद लेना चाहते हैं, हमारे ईमान का सौदा करना चाहते हैं। और मेरे भाई मैं तो उन लोगों से कहता हूं, मैं सबकी बात नहीं करता, मेरे भाई अल्लाह ने हमें तो हाथ दिए हैं, तो पैर दिए हैं, तो आंखें दी हैं, अल्लाह ने जज्बा दिया है, ताकत दी है, हम दो वक्त की रोटी खा सकते हैं मेरे भाई, लेकिन चंद रुपयों के लालच में, दो दिन के राशनों के लालच में अपने ईमान और अपने जमीर को मत बेचो मेरे भाई। आप देख लीजिए इसी ईमान और इस्लाम को बचाने के लिए मेरे भाई इमाम हुसैन ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। अगर इमाम हुसैन चाहते मेरे भाई तो एक जालिम को अपना अमीर समझ सकते थे, वो खेमा नहीं उजड़ता मेरे भाई, लेकिन इमाम हुसैन को यह मालूम था कि अगर मैंने एक जालिम को अपना अमीर समझा तो कयामत तक नाना जान की उम्मत एक जालिम को अपना अमीर समझती रहेगी। और उम्मत मुस्लिमा को एक पैगाम दिया, मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, वो ईमान और इस्लाम को बचाने के लिए वो रोजे आसूरा सन 61 हिजरी मैदान कर्बला सुलगती हुई रेत, सूरज अपनी आबो ताब के साथ चमक रहा था, एक चेहरा पुर नूर, सर पर इमामा और जुबा पर इनल्लाहुम्मा साबिरीन का दिल था, कमर झुकी हुई थी, शायद जवान भाई का कटा हुआ बाजू उठाया था, होता पे खुश पकड़ी थी, शायद कई दिनों से भूखा प्यासा था, लेकिन जुबा पर इनल्लाहुम्मा साबिरीन का दिल था, सबर का पैमाना लबरेज होने पर था, क्योंकि हुसैन इब्ने अली के हाथों में अलियाज करते हुसैन ऐलान करते हैं, ऐ यजीदियो इस नन्हे से बच्चे को दो घूंट पानी दे दो, ये 6 महीने का बच्चा है, प्यासा मर जाएगा। लेकिन मेरे भाई वो यजीद कहते हैं बैठ ले ले, इमाम हुसैन कहते हैं मैं एक जालिम की बात नहीं ले सकता, मैं अपने नाम हुसैन के
अपने कलाम को कटा कर दे। फिर होना क्या था, तो वाला तीर ऐसा चलाया कि अली असगर के गले को चीरता हुआ खाके करबला पर जा गिरा। लेकिन इमाम हुसैन है कि जुबान पर इनल्लाह हुमा साबिर का विर है। मुसलमानों, इमाम हुसैन ने मैदान करबला में अपनी सुन्नत का वो नमूना पेश किया और उम्मत मुस्लिमा को बताया कि जबर के सामने कैसे खड़ा होना है, जबर से कैसे टकराना है। और एक तो नहीं मेरे भाई, बाल सजा के दुनिया के सामने अकेला तनहा खड़े हो जाना कोई मजाक नहीं था। 72 लाशों के जख्म सीने पर, भाई बेटे भांजे भतीजे की लाश उठा चुके, 72 लाशें लाइनों में पड़ी है तनकसन के। लेकिन जब वो नबी का नवासा तलवार को लहराता हुआ निकला, जुल्फिकार को लहराता हुआ निकला, तो चारों तरफ से आवाज आ रही थी, अरे कौन जीवकार है, ये कौन सा सवार है। लिबास है फटा हुआ, लख लख कटा हुआ, जिस्म है चिदा चिदा फटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ। ये नूरे नबी का ऐन है, ये बिल यकी हुसैन है, ये बिल यकी हुसैन है। और मुसलमानों, इमाम हुसैन ने अपनी सुन्नत का वो नमूना